वेलकम टू माय चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। आज मैं डिस्कस करूंगा एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, व्हाट इज स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग। स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग रिलेटेड जितना भी आप लोगों का क्वेरीज होता है, आज का वीडियो का माध्यम से आप लोगों का सभी डाउट, सभी क्वेरीज क्लियर हो जाएगा। आप सभी स्टूडेंट BARC, NPCL, IGCER, VECC, NFC, HWB, RRCAT, IPR, इन सभी डिपार्टमेंट का नाम आप लोग हमेशा सुनते हैं। और इन सभी डिपार्टमेंट से सबसे ज्यादा दो पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट आता है। पहला पोस्ट स्टाइपेंड ट्रेनिंग कैटेगरी 1 और स्टाइपेंड ट्रेनिंग कैटेगरी 2। इन दो पोस्ट में सबसे ज्यादा कैंडिडेट लिया जाता है इन सभी डिपार्टमेंट में। और इस नाम को सुनकर, स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग नाम को सुनकर, बहुत सारा स्टूडेंट का मन में, दिमाग में बहुत सारा क्वेश्चन, बहुत सारा डाउट आता है। क्या ये परमानेंट जॉब है? क्या हम लोग का 2 साल का बाद निकाल दिया जाएगा? और स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग रिलेटेड जितना भी आप लोग का डाउट है, आप लोग का जॉब कैसे होता है, कैसे आप लोग का सिलेक्शन होता है, इन सभी टॉपिक का ऊपर मैं डिटेल में डिस्कशन करूंगा। वीडियो काफी लंबा होगा, लेकिन आज का वीडियो से आप लोग बहुत कुछ जान पाएंगे। इसका बॉन्ड संबंधित जो आप लोग का डाउट है, इसका जो इंटरव्यू होता है, ट्रेनिंग होता है, सब कुछ डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा। इसका ट्रेनिंग प्रोफाइल कैसा होता है, इसका गेस्ट हाउस, जो भी आपका क्वार्टर मिलता है, तो स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग का रिलेटेड जितना भी डिटेल में हो सके मैं आज का वीडियो में आप लोगों को बताने का कोशिश करूंगा। तो आप लोगों को मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। और जो स्टूडेंट हमें अभी तक नहीं जानते, वो सभी स्टूडेंट जान लीजिए, क्योंकि मैं भी BARC में सिलेक्ट हुआ था। और कब सिलेक्ट हुआ था तो आप इससे देख के समझ सकते हैं। तो देखिए, ये मेरा ज्वाइनिंग का दिन का, ये मेरा लिखा हुआ है, एक आप बोल सकते हैं कि बॉन्ड है। तो ज्वाइनिंग होने से पहले इस पेज में हम लोग को साइन करना पड़ा था। तो उसमें सिग्नेचर विथ डेट, कैंडिडेट का नेम लिखना था और उसमें डेट देना था, कैंडिडेट का नेम, ट्रेनिंग नंबर, तो ये मेरा ट्रेनिंग नंबर था, डिसिप्लिन ट्रेड मेरा फिटर था, प्लेस ऑफ ट्रेनिंग मेरा कल्पक्कम था, और डेट ऑफ ट्रेनिंग मेरा ज्वाइनिंग हुआ था 31 जनवरी 2020। और ये मैं सबसे पहले आप लोगों को दिखाया हूं, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि मैं आप लोगों को सही जानकारी देने वाला हूं। और इसमें मैं जॉब करता था लगभग 7 महीना। ट्रेनिंग करने के बाद मैं ट्रेनिंग को छोड़कर मैं अपने स्टेट पर चले आया हूं, क्योंकि इधर अपने स्टेट पर हमें अपने हिसाब से, मतलब मेरा अच्छा लगा जिस जॉब में, मैं उस जॉब में अभी जॉब कर रहा हूं। ठीक है, तो इसका रिलेटेड डिटेल में आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। तो आप सभी स्टूडेंट को रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि BARC रिलेटेड, चाहे आप स्टडी मटेरियल्स बोलते हैं, प्रीवियस ईयर बोलते हैं, मॉडल क्वेश्चन पेपर, टेस्ट सीरीज, सब मेरा चैनल से आप लोग को प्राप्त हो जाएगा। और इससे अगर आप लोग प्रिपेरेशन करके जाएंगे तो BARC का सिलेक्शन लेना कोई मुश्किल बात नहीं होगा। सबसे पहले जो आप लोग का मेन टॉपिक मैं आज डिस्कस करूंगा, और BARC का जो हम लोग का ज्वाइनिंग था जिस दिन, उसमें हम लोग का एक रूल बुक दिया गया था, आप देख सकते हैं। इसमें देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जनरल गाइडलाइन फॉर स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग कैट 1 एंड कैट 2, मतलब कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2, इसका जनरल गाइडलाइन का हम लोग एक बुक दिया गया था। और इन बुक से मैं सब कुछ आप लोग को समझाऊंगा। तो आज का वीडियो का टॉपिक जो रहेगा, इससे आपको बहुत कुछ जानकारी मिलेगा। देखिए, सबसे पहला, व्हाट इज स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग, स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग एंड अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग और स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग का बीच का डिफरेंस क्या होता है, स्टाइपेंड ऑफ स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग एंड अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, जब आप स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग रहते हैं तो आपका कितना स्टाइपेंड मिलता है, और अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग में हर महीना कितना स्टाइपेंड मिलता है। चौथा, स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग ट्रेनिंग पीरियड, स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग का ट्रेनिंग पीरियड कितना साल होता है और किस बेसिस पर ट्रेनिंग दिया जाता है। फिफ्थ नंबर, देखिए, स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग एब्जॉर्बेशन एंड सैलरी, स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग को कैसे एब्जॉर्ब किया जाता है, परमानेंट होता है या उसको निकाल दिया जाता है, और उसका सैलरी किस ग्रेड पर बनता है। फैसिलिटी जैसे यूनिफॉर्म, आइडेंटिटी कार्ड, हॉस्टल, क्वार्टर, वर्किंग डेज कितना होता है, वर्किंग आवर, मेडिकल फैसिलिटी आपको मिलता है कि नहीं क्योंकि आप ट्रेनिंग पीरियड में रहते हैं, बॉन्ड, इसका सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे ज्यादा स्टूडेंट परेशान होता है इसका बॉन्ड में,
कि बॉन्ड क्या होता है ये समझने में आपको 2 साल लग जाता है और प्रमोशन कैसे होता है। ठीक है, तो इन सभी चीज का बारे में आज का क्लास में मैं आपको डिस्कशन करने वाला हूं। क्लास नहीं, आप बोल सकते हैं एक मोटिवेशन वीडियो है। इसमें देखिए, मैं जिस दिन ज्वाइन किया था इसमें पहले मेरे को यही लिखा गया था, आई द अंडर साइंड हैव रिसीव द कॉपी ऑफ रूल्स, मतलब ये रूल मैं रिसीव किया हूं और मैं पढ़ के इस रूल पर साइन कर रहा हूं। रेगुलेशन एंड गाइडलाइन ऑफ स्टाइपेंडेड इन कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2, आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड द कंटेंट एंड सेल अवॉइड बाय द डिसीजन ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज ऑन ऑल दिस मैटर, मतलब मैं सब कुछ रूल्स नॉर्म्स जो भी था मैं पढ़ लिया हूं और इसमें मैं सहमत हूं और जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा जो हम लोग को डिसाइड कर दिया जाएगा वो मैं सब कुछ मानने के लिए तैयार हूं और इसमें मैंने साइन करके इसी दिन में ज्वाइन किया था। देखिए, पहला, व्हाट इज स्टाइपेंडरी ट्रेनी। स्टाइपेंडरी ट्रेनी पोस्ट निकालता है, मैं जिस डिपार्टमेंट का नाम बताया हूं आप लोगों को, तो उससे पहले स्टाइपेंडरी ट्रेनी डिस्कशन करने से पहले आपको जानना चाहिए व्हाट इज डीएई, क्योंकि जब आप लोग सिलेक्शन लेने जा रहे हैं बीएआरसी एनपीसीएल आईजीकर बीईसीसी एचडब्ल्यूबी एनएफसी इसका बाद और भी आईपीआर आरआर केट, तो इससे पहले आपको जानना चाहिए व्हाट इज डीएई। डीएई का फुल फॉर्म होता है आप लोग जान लीजिए, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, तो ये मेन है। इसका बहुत सारा यूनिट होता है। पहला यूनिट क्या होता है, जैसे बीएआरसी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। सेकंड होता है एनपीसीआईएल न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। एनपीसीएल के भी काफी यूनिट होता है, एनपीसीएल तारापुर, एनपीसीएल नरोड़ा, एनपीसीएल गोरखपुर, एनपीसीएल मद्रास। ओके, इसका बाद देखिए जैसे एनपीसीएल ककड़ापाड़ा, आईपीआर इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च, एचडब्ल्यूबी हेवी वाटर बोर्ड, एनएफसी न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स हैदराबाद में है। इसका बाद देखिए और भी है, आईजीकर जो कल्पकम में है, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च, वीईसीसी जो कोलकाता में है, वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर और भी है, आरआर केट। ठीक है, तो ये सब किसका यूनिट है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का अलग अलग डिपार्टमेंट है, आप बोल सकते हैं अलग अलग यूनिट है। ठीक है, तो इन सभी डिपार्टमेंट का तरफ से रिक्रूटमेंट आता है। अभी जो सबसे ट्रेंडिंग चल रहा है बीएआरसी का रिक्रूटमेंट, क्योंकि पहले जितना सीट आप लोग का आया था वो काफी था, उसके बाद फिर सीट को इंक्रीज कर दिया गया, किसी किसी पोस्ट में 50 सीट को, किसी पोस्ट में 10, किसी पोस्ट में 20 सीट को वैकेंसी को इंक्रीज किया गया है। ठीक है, तो अब देखिए डीएई आपको समझ में आ गया है। तो इन सभी डिपार्टमेंट से जब रिक्रूटमेंट आता है तो उसमें आपका आता है स्टाइपेंडरी ट्रेनी कैट, मतलब कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2। तो ये स्टाइपेंडरी ट्रेनी क्या होता है, एक परमानेंट पोस्ट होता है, एक परमानेंट पोस्ट है, लेकिन इस पोस्ट में जाने के लिए आपको सबसे पहले 2 साल का ट्रेनिंग दिया जाता है। ठीक है, एक्चुअली आप लोग जो कैट 1 में फॉर्म फिलअप करते हैं वो साइंटिफिक असिस्टेंट में जाते हैं और जो कैट 2 में आईटीआई स्टूडेंट फॉर्म फिलअप करते हैं वो टेक्नीशियन पोस्ट में जाते हैं। तो साइंटिफिक असिस्टेंट और टेक्नीशियन पोस्ट में जाने के लिए 2 साल का ट्रेनिंग दिया जाता है, इसको कहते हैं स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग। और ये तो आपका 2 साल का ट्रेनिंग होता है साइंटिफिक असिस्टेंट और टेक्नीशियन पोस्ट में जाने के लिए, 2 साल का ट्रेनिंग। और ट्रेनिंग का टाइम आपको फुल सैलरी नहीं मिलता है, आपको स्टाइपेंड मिलता है, स्टाइपेंड मिलता है इस ट्रेनिंग में, इसीलिए इसका नाम है स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग। पहले इसका स्टाइपेंड कितना था सब मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो जो कैट 1 है, कैट 1 में फॉर्म फिलअप करने के लिए डिप्लोमा स्टूडेंट एलिजिबल होता है और कैट 2 में फॉर्म फिलअप करने के लिए आईटीआई पर स्टूडेंट का वेरियस जो ट्रेड है वो एलिजिबल होता है। तो ये आपका परमानेंट पोस्ट है। तो इससे मैं क्या बताया हूं कि कैट 1 के लिए साइंटिफिक असिस्टेंट और कैट 2 जो आईटीआई स्टूडेंट है वो टेक्नीशियन, इस पोस्ट में जाने के लिए
दो साल का आपको ट्रेनिंग होता है और हर महीना आपको स्टाइपेंड मिलता है, फुल सैलरी आपको नहीं मिलता है, तो इसीलिए इसका नाम है स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग। और अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग क्या होता है, जब आप आईटीआई कंप्लीट करते हैं, आईटीआई कंप्लीट करने के बाद आपको प्रशिक्षण दिया जाता है जो भी इंडस्ट्री में आप काम करते हो उसका, और प्रैक्टिकल नॉलेज को और भी बढ़ाया जाता है, और वो ट्रेनिंग भी दिया जाता है और आपको स्टाइपेंड भी दिया जाता है, हर महीना स्टाइपेंड दिया जाता है, ठीक है। और वो सिर्फ आपका ट्रेनिंग होता है, अप्रेंटिसशिप सिर्फ एक साल का ट्रेनिंग होता है, एक साल का बाद आपका ट्रेनिंग जब भी खत्म होगा आप डिपार्टमेंट का साथ आपका कोई संपर्क नहीं रहेगा, आपको जस्ट सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जस्ट आपका एक ट्रेनिंग होता है, लेकिन ये जो स्टाइपेंड ट्रेनिंग है ये आपका परमानेंट रिक्रूटमेंट है। देखिए डिफरेंस बिटवीन स्टाइपेंड ट्रेनिंग एंड अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, जो आपका स्टाइपेंड अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग होता है वो अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 का हिसाब से जो भी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का रिक्रूटमेंट आता है तो उसमें आपको अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए फॉर्म फिलअप किया जाता है फॉर ए पीरियड ऑफ वन ईयर ट्रेनिंग। इसमें एक साल का आपको प्रशिक्षण दिया जाता है इन द फॉलोइंग डिसिप्लिन एंड ट्रेड, कौन सा ट्रेड में, फिटर, टर्नर, मैशिनिस्ट, वेल्डर, मैकेनिक, मशीन टूल मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, ड्राफ्टमैन, मैकेनिकल ड्राफ्टमैन, सिविल मेसन, प्लम्बर, कारपेंटर, मैकेनिक, मोटर व्हीकल, प्लांट ऑपरेटर, जिसमें 12th पास स्टूडेंट फॉर्म फिलअप करने के लिए एलिजिबल होता है, लेबोरेटरी, इसमें भी 12th पास स्टूडेंट फॉर्म फिलअप करता है, डेंटल टेक्नीशियन, हाइजीनिस्ट, डेंटल टेक्नीशियन, मैकेनिक, ठीक है। तो इसमें देखो जैसे रिक्रूटमेंट भी आता है इन सब पोस्ट में, वैसे ही इन सब पोस्ट में ट्रेनिंग भी, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग भी होता है। स्टाइपेंड कितना मिलता है, जब आप अप्रेंटिसशिप करते हैं तो आपको कितना स्टाइपेंड मिलता है, आपको स्टाइपेंड मिलता है हर महीना 11,600 रुपया, ये आपका अपडेटेड है, मतलब अभी कितना मिल रहा है हर महीना, अगर आप लोग डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का किसी भी यूनिट पर ज्वाइन करते हैं तो 11,600 का आपका हर महीना स्टाइपेंड मिलेगा अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए। और जो स्टाइपेंड ट्रेनिंग कैटेगरी वन और कैटेगरी टू में आप लोग ज्वाइन करेंगे उसमें देखिए पहले स्टाइपेंड कम था, पहले कितना था, पहले जब हम लोग ज्वाइन किए थे, मैं स्टाइपेंड ट्रेनिंग कैटेगरी टू फीटर ट्रेड में ज्वाइन किया था, हर आपको पहला साल का हर महीना हम लोग को 10,500 मिलता था और सेकेंड ईयर में हर महीना 12,500 मिलता था, ठीक है। तो अभी स्टाइपेंड को इंक्रीज किया गया क्योंकि ये स्टाइपेंड कम होने का कारण, एक्चुअली हम लोग परमानेंट पोस्ट में है फिर भी हम लोग को इतना स्टाइपेंड कम दिया जाता था, मैक्सिमम कैंडिडेट तो स्टाइपेंड देख के छोड़ के चले आते थे, जब भी दूसरा कोई जो नौकरी लगता था तो स्टाइपेंड का कमी होने का कारण छोड़ के आ जाता था। तो अब देखिए कैटेगरी वन ट्रेनिंग के लिए देखिए, मतलब ये डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए, ठीक है, पहले क्या था, पहले हर साल मतलब सॉरी फर्स्ट ईयर का हर महीना 16,000 करके मिलता था और सेकेंड ईयर का हर महीना 18,000 करके मिलता था, तो उसको अभी इंक्रीज करके रिवाइज करके कितना किया गया है, पहला साल हर महीना 24,000 करके मिलेगा और सेकेंड ईयर हर महीना 26,000 स्टाइपेंड मिलेगा। और कैटेगरी टू ट्रेनिंग मतलब आईटीआई स्टूडेंट जिसमें हमने ज्वाइन किया था, पहले 10,500 पहला साल का हर महीना मिलता था और सेकेंड ईयर का हर महीना 12,500 मिलता था, इसको रिवाइज करके 20,000 और 22,000, मतलब पहला साल हर महीना 20,000 करके और सेकेंड साल हर महीना 22,000 करके आपको स्टाइपेंड बढ़ा दिया गया है। तो इससे क्या होता है, उन लोगों का भी नुकसान हो रहा था, एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस को कराने में काफी मतलब दिक्कत होता है, काफी डिफिकल्टीज का फेस करना पड़ता है, रिक्रूटमेंट तो सबसे पहले डिपार्टमेंट से निकालना बहुत मुश्किल होता है, उसका बाद जब ज्वाइन होता है ट्रेनिंग का बीच में छोड़ के आ जाता है, जैसे अगर मेरा बात करता हूं, मैंने भी मतलब स्टाइपेंड थोड़ा कम मिल रहा था और घर पे और भी घर का नजदीक और भी अच्छा हमें मौका मिल गया तो मैं छोड़ के आ गया, अगर स्टाइपेंड अगर और थोड़ा ज्यादा भी मिलता तब तो थोड़ा सोच के देखता, नहीं दो साल में इतना मतलब कष्ट समय नहीं चलना पड़ेगा, तो इसमें आईटीआई के लिए 20,000 और सेकेंड ईयर हर महीना 22,000 अभी तो ठीक ठाक है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया कि क्या क्या आपका अभी स्टाइपेंड मिल रहा है। जो भी स्टूडेंट आप लोग डीएई का किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो वो सभी स्टूडेंट के लिए प्रिपेरेशन को और भी अच्छा से करने के लिए देखिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जो सबसे ज्यादा दिक्कत होता है बीएआरसी का प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में, तो इसमें भी आपका कोई दिक्कत नहीं होगा, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन स्टेज वन के लिए
मॉक टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, टोटल 50 मॉक टेस्ट सीरीज फुल लेंथ, टोटल एक एक सेट में 50 क्वेश्चन है, जैसे आपका एग्जाम में पूछा जाता है 20 क्वेश्चन मैथ, 20 क्वेश्चन साइंस और 10 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस से, तो वैसे ही टोटल 50 सेट है। बीएससी, एनपीसीएल, एनएफसी, आईपीआर, आरआरकैट, आईजीकैट, वीईसीसी, एएमडी, जीएसओ, एचडब्ल्यूबी, इन सब एग्जाम के लिए डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का जितना भी यूनिट है सभी एग्जाम के लिए तैयारी को और भी अच्छा से इसे आप लोग कर सकते हैं। और एडवांस एग्जाम स्टेज टू के लिए देखिए, जैसे इलेक्ट्रीशियन के लिए, वेल्डर के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए, टनल मशीनिस्ट के लिए और फिटर के लिए, इन सभी ट्रेड का टेस्ट सीरीज अवेलेबल है एडवांस एग्जाम मतलब स्टेज टू के लिए। इससे आप लोग प्रिपेरेशन कर सकते हो और आप लोगों का प्रिपेरेशन को और भी मजबूत कर सकते हैं। और देखिए जो 2000 एमसीक्यू का पीडीएफ सीरीज में चला रहा हूं, क्वेश्चन आंसर सीरीज में यूट्यूब पर बीएस एग्जाम के लिए चला रहा हूं, तो इसको भी अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं, 2000 टेक्निकल एमसीक्यू पीडीएफ है, अगर आप लोग फीचर टर्नर मैशिनिस्ट वेल्डर ग्राइंडर का स्टूडेंट है तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं इसी से, तो इससे आप लोगों का प्रिपेरेशन और भी अच्छा होगा। और इस साइट का लिंक मैं आज का वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगा, तो आप सभी स्टूडेंट आज का वीडियो देख रहे हैं इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं, क्योंकि आप लोग बहुत सारा स्टूडेंट इधर उधर ढूंढते कि प्रॉपर मॉक टेस्ट सीरीज आपको मिलता तो बिल्कुल भी नहीं है कि हाँ सर कहाँ पे हम लोग अच्छा से तैयारी कर सकते। प्रिपेरेशन तो थियोरिटिकल हम लोग का हो गया है, एग्जाम से पहले तो हम लोगों का स्पीड को और भी बढ़ाना है, तो कैसे हम लोग बढ़ा सकते, तो इसमें आके आप सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, उसका बाद आपको डैशबोर्ड सेक्शन में आके लॉगिन करना है। रजिस्ट्रेशन का टाइम जो भी आप मेल आईडी डालेंगे और जो भी रजिस्ट्रेशन का टाइम आप लोग पासवर्ड डालेंगे वो आपको लॉगिन करते टाइम काम में आएगा, और लॉगिन करने के बाद कोर्स सेक्शन में आके आप किसी भी कोर्स में जाके ज्वाइन हो सकते हैं। मैं अगर नॉर्मली इसका बात करता हूं तो इस पे जब भी आप क्लिक करेंगे इसका बाद देखिए नेक्स्ट पेज आपका ऐसा आएगा, इसके बारे में फुल डिटेल्स आपको मिल जाएगा, इसमें आके रिव्यू भी आप देख सकते हैं, देखिए इसमें आपको रिव्यू भी मिल जाएगा, वेरी यूजफुल, वेरी गुड क्वेश्चन, तो काफी स्टूडेंट ने इसको रिव्यू भी दे के रखा है। इसका बाद देखिए इसमें से आप टोटल टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं, टोटल 30 टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा, और इसको परचेज करने के लिए आपको इधर एड टू कार्ट करना है, उसका बाद आपको लॉगिन करना है, उसका बाद आप इसका सब्सक्रिप्शन को ले सकते हैं। इसमें देखिए स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग का ट्रेनिंग पीरियड क्या होता है, उससे पहले अप्रेंटिसशिप का ट्रेनिंग पीरियड आपका एक साल होता है, ठीक है, और स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग का ट्रेनिंग पीरियड होता है आपका 2 साल। इसमें देखिए जो मैं रिक्रूटमेंट रूल बुक पहले मैं आप लोगों को शो किया था उससे मैं इसको स्क्रीनशॉट लेके आया हूं। ट्रेनिंग एंड इवेल्यूशन, ट्रेनिंग प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ रेगुलर लेक्चर, ट्रेनिंग प्रोग्राम सबसे पहले समझ लीजिए, इसका ट्रेनिंग होता है 2 साल का, इसमें से फर्स्ट 6 मंथ्स आपका होता है क्लासरूम ट्रेनिंग, आप देख पाएंगे 6 मंथ क्लासरूम ट्रेनिंग होता है, और 2 साल में से 6 मंथ अगर हो गया तो और कितना महीना बाकी है, 18 मंथ्स बाकी है, तो बाकी 18 मंथ मतलब 1.5 साल में क्लासरूम इन प्लांट ट्रेनिंग या आप बोल सकते ऑन जॉब ट्रेनिंग आपको दिया जाता है, तो प्लांट में आपको 1.5 साल का ट्रेनिंग दिया जाता है, ठीक है। तो आप अभी इससे देख लीजिए, ट्रेनिंग प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ रेगुलर लेक्चर, जब आपका क्लासरूम ट्रेनिंग होगा पहला 6 महीने में उसमें रेगुलर लेक्चर होगा, प्रैक्टिकल एंड प्रोजेक्ट वर्क होगा, एग्जामिनेशन एंड टेस्ट विल बी हेल्ड रेगुलरली, और इसमें एग्जामिनेशन टेस्ट भी हेल्ड होगा। ट्रेनिंग प्रोग्राम विल कंप्राइज ऑफ 6 मंथ थियोरिटिकल आपका ट्रेनिंग होगा जिसको क्लासरूम ट्रेनिंग कहते हैं, और 18 मंथ्स इन प्लांट और ऑन जॉब ट्रेनिंग मतलब आपको फील्ड में जाके 18 महीने का ट्रेनिंग दिया जाएगा, काम आपको सिखाया जाएगा, ओके। और इससे मैं आपको बता देता हूं, जैसे मैं आप लोगों को बोला कि इसमें रेगुलर क्लास चलता है, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स होता है और टेस्ट होता है, जैसे अगर आप कल्पक्कम में ज्वाइन करते हैं, बीएआरसी कल्पक्कम अगर तमिलनाडु में ज्वाइन करते हैं, तो इधर टोटल लगभग 31 सब्जेक्ट आपका होता है, 31 टेस्ट आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा, इसमें काफी पढ़ना भी आपको पड़ता है, ठीक है। तो बाकी क्या सीक्रेट है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप अच्छा से नहीं पढ़ते हैं तो आपका क्या होगा, तो आगे बताते हैं। तो टोटल इस कल्पक्कम में टोटल 31 सब्जेक्ट है, तो 31 टेस्ट होता है। अब बाकी डिपार्टमेंट का जैसे एचडब्ल्यूबी का थोड़ा कम होता है, 15-20 में ही हो जाता है, जैसे बीआरसी ट्रॉम्बे में तो उसका सब्जेक्ट थोड़ा कम होता है, मतलब और ये जो टोटल टेस्ट और सब्जेक्ट है ये अलग अलग यूनिट में अलग अलग होता है,
जिस यूनिट में जैसा काम है उसका बेसिस पे उतना सब्जेक्ट उसमें रखा गया है, उतना सब्जेक्ट का टेस्ट होता है। तो 31 तो सबसे ज्यादा हमें लगता है कि बीआरसी कल्पकम में होता है, बाकी जगह में 20 15 कहीं कहीं 25 में आपका सब्जेक्ट होता है, और ज्यादा सिलेबस नहीं रहता है, वो सब कुछ आपको पढ़ाया जाता है। ठीक है, क्लासरूम में सब कुछ आपको डिजिटली समझाया जाता है। देखिए 3 मंथ्स बेसिक मॉड्यूल जो आपका 6 महीने का क्लास ट्रेनिंग चलता है, तो 3 मंथ्स बेसिक मॉड्यूल विद ए सब्जेक्ट लाइक न्यूक्लियर साइंस आपको पढ़ाया जाता है, रेडिएशन एंड हेल्थ फिजिक्स आपको पढ़ाया जाता है, इंडस्ट्रियल सेफ्टी, इंग्लिश लैंग्वेज, बिहेवियरल एंड कम्युनिकेशन स्किल, बेसिक ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये सब चीज का बारे में आपको पढ़ाया जाता है, और भी काफी सारा सब्जेक्ट होता है। और 3 मंथ्स डिसिप्लिन स्पेसिफिक मॉड्यूल ऑन स्पेसिफाइड स्पेशलाइज एरियाज ऑफ इंजीनियरिंग एंड साइंस ट्रेड। तो इसमें देखिए कैट 2 में, अगर कैट 1 में बात करते हैं, कैट 1 में जैसे मैकेनिकल, सिविल, इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, इसके बाद इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, तो ये सब अलग अलग ब्रांच होता है। ITI में जैसे फीटर, टनर, मशीनिस्ट, वेल्डर, ग्राइंडर, तो ये सब अलग अलग ट्रेड है, अलग अलग ब्रांच है, तो इसका भी ट्रेनिंग दिया जाता है। और जैसे कोई स्टूडेंट अगर स्टाइपेंड देते हैं कैटेगरी 2 में 12th पास करके प्लांट ऑपरेटर में ज्वाइन करते हैं या लेबोरेटरी पोस्ट में ज्वाइन करते हैं, तो उसका ट्रेड का तो अलग पार्ट होता है ना, जैसे मैकेनिकल का, टेक्निकल का जो अलग पार्ट होता है, ITI का जो अलग पार्ट होता है। तो इसमें जो पहला 3 महीना होता है उसमें आपको बेसिक, जैसे आप बोल सकते हैं कि नॉन टेक्निकल आपको सिलेबस में पढ़ाया जाता है, और बाकी जो 3 महीना होता है क्लासरूम ट्रेनिंग का, तो उसमें आपको टेक्निकल चीज पढ़ाया जाता है, जिसका जो टेक्निकल होता है इंजीनियरिंग फील्ड होता है उसको पढ़ाया जाता है, जिसका साइंस फील्ड है उसको साइंस का वो सब पोर्शन पढ़ाया जाता है, और जिसका ITI है उसका अलग अलग ट्रेड रिलेटेड 3 महीने का ट्रेनिंग दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए 18 मंथ्स इन प्लांट और ऑन जॉब ट्रेनिंग। तो 18 महीने का जो इन प्लांट या ऑन जॉब ट्रेनिंग होता है, जिसमें आपको जाकर फील्ड में काम आपको करना पड़ता है, पहले आपको काम सिखाया जाता है, प्लांट्स एंड डिवीजन ऑन द स्पेशलाइज्ड फील्ड ऑफ ऑपरेशन और ट्रेड, तो वो आपको अपना ट्रेड और स्पेशलाइजेशन का, जिसका मैकेनिकल है तो उस जगह में आपको ट्रेनिंग दिया जाता है। इसके बाद देखिए स्टाइपेंड ट्रेनिंग एब्जॉर्बेशन एंड सैलरी। तो पहले मैंने आप लोगों को क्या बोला, स्टाइपेंड ट्रेनिंग 2 साल का ट्रेनिंग होता है, इसमें 6 महीने आपका क्लास ट्रेनिंग हो गया, 6 महीने में जो क्लास ट्रेनिंग होता है उसमें 3 महीने, पहला 3 महीना आपको पूरा नॉन टेक्निकल न्यूक्लियर साइंस, जो जनरल इंग्लिश, इसके बाद जो आपको बिहेवियरल एंड कम्युनिकेशन स्किल, इस कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये सब पढ़ाया जाता है, और बाकी 3 महीना इंजीनियरिंग फील्ड, ट्रेड और साइंस के बारे में आपको पढ़ाया जाता है, और बाकी 18 महीना आपको ऑन जॉब ट्रेनिंग या इन प्लांट ट्रेनिंग जिसको आप कहते हैं वो आपको दिया जाता है। तो ये जब आपका 2 साल कंप्लीट हो जाता है तो ये सबसे ज्यादा वाइटल जगह है। तो आप लोग बोलते 2 साल का बाद हमें निकाल दिया जाएगा या हम लोग को एब्जॉर्ब किया जाएगा, अगर हम 31 सब्जेक्ट को नहीं पढ़ पाते हैं, क्योंकि जब ज्वाइन करते हैं उसका बाद आप लोग सोचते हैं कि फ्री हो गया, लेकिन इस डिपार्टमेंट में ज्वाइन करने के बाद आपको भी आपको पढ़ना पड़ता है रेगुलरली, लगभग आपको 2 साल तक पढ़ना पड़ता है इस सब सब्जेक्ट में, क्योंकि इसका टेस्ट आपको हमेशा होता है, और जितना सब्जेक्ट है उतना आपका टेस्ट होता है। इसीलिए अगर आप टेस्ट में फेल हो जाते हैं तो मेन जो क्वेश्चन होता है कि हाँ अगर हम टेस्ट में फेल हो गया या मार्क्स कम आया तो हमें एब्जॉर्ब किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, तो मैं 100% आपको गारंटी देके बता रहा हूं कि आप जिस दिन आपका मेडिकल कंफर्म हुआ उस दिन से आप परमानेंट पोस्ट में है। जिस दिन आपका मेडिकल में मेडिकल सुपरिंटेंडेंट साइन कर देगा कि आप वैलिड स्टूडेंट है या आप मेडिकली पास हुए हैं, फिट हुए हैं, तो आप उसी दिन से परमानेंट है। और जब आप क्लास ट्रेनिंग में भी या ऑन जॉब ट्रेनिंग में आपका परफॉर्मेंस थोड़ा कम भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आपका एब्जॉर्बेशन हो जाएगा। तो इसमें देखिए क्राइटेरिया फॉर एब्जॉर्बेशन, एब्जॉर्बेशन के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, ऑन सक्सेसफुल कंप्लीटेशन ऑफ द ट्रेनिंग द ट्रेनिंग शैल बी एब्जॉर्ब ऑन द बेसिस ऑफ द वेटेज ऑफ द मार्क। तो जब आपका ट्रेनिंग कंप्लीट होगा तो आपका कुछ वेटेज का हिसाब से आपको सिलेक्ट या एब्जॉर्ब किया जाएगा। जैसे थियोरेटिकल ट्रेनिंग जो होता है, या अगर आप कैट 1 के लिए बोलते हैं मतलब डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए, और कैट 2 मतलब ITI स्टूडेंट के लिए, तो थियोरेटिकल ट्रेनिंग में आपको 40% मार्क्स उसमें से कैलकुलेशन किया जाएगा। ठीक है, सोचिए आपका 700 में से एग्जाम हुआ है, 700 में से एग्जाम हुआ और आप 500 आपको मिला है, ठीक है, तो इसमें से आपको कितना लिया जाएगा, जस्ट 40% मार्क्स को लिया जाएगा। ठीक है, मतलब इसको अगर आप काटते हैं तो कितना, जस्ट इसमें 20 मार्क्स आपका
सॉरी 200 मार्क्स इसमें से आपका लिया जाएगा। इसके बाद बाकी आपका इधर से लिया जाएगा, इन प्लान ट्रेनिंग से 30% मार्क्स लिया जाएगा, और उसका बाद फाइनल एब्जॉर्बेशन जो लास्ट में इंटरव्यू होगा। तो पहले आपका थियोरिटिकल 6 महीने का ट्रेनिंग, उसके बाद इन प्लान ट्रेनिंग में से आपका 30% मार्क्स लिया जाएगा जो आपका कैट 1 के लिए है, और कैट 2 के लिए 40% मार्क्स उसका लिया जाएगा जिसमें आप जिस जितना परसेंटेज देख रहे हैं, और लास्ट में आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू में आपको 30% मार्क्स उसमें से वेटेज मार्क्स लिया जाएगा। तो टोटल देखिए 40 30 30, तो टोटल 100% हो गया, और इसमें भी देखिए 30 40 30, मतलब इसमें भी देखिए टोटल 100% हो गया। तो 100% में से जिसका मार्क्स 90% से ज्यादा आएगा वो सिलेक्ट होगा टेक्नीशियन सी में। तो टेक्नीशियन सी में सिलेक्ट होने के लिए आपको पढ़ाई करना पड़ता है, लेकिन अगर आपका 90% से कम मार्क्स आता है तो आप चले जाएंगे टेक्नीशियन बी में, ठीक है। तो टेक्नीशियन सी में जब आप ज्वाइन करते हैं तो उसका बेसिक भी 25,100 रुपया रहता है, तो मैं उसका बारे में भी आपको बताऊंगा। टेक्नीशियन सी का 25,500 बेसिक होता है। तो इसमें देखिए इसमें आपका हुआ क्या है, जो आप लोग आईटीआई स्टूडेंट है तो उसका थियोरिटिकल ट्रेनिंग से 30% वेटेज मार्क्स लिया जाएगा, इंटर्न ट्रेनिंग से 40% वेटेज मार्क्स लिया जाएगा, मतलब इसके लिए प्रैक्टिकली मेन होता है, और फाइनल एब्जॉर्बेशन जो लास्ट में आपका 2 साल के बाद इंटरव्यू होता है उसमें से 30% मार्क्स लिया जाएगा। तो 100 में से आपको कैलकुलेशन किया जाएगा, जिस कैंडिडेट का मार्क्स 90% अबव होगा उसको टेक्नीशियन सी में डाला जाएगा, बाकी कैंडिडेट टेक्नीशियन बी में सिलेक्ट होगा सभी कैंडिडेट। और बाकी देखिए जो आपका कैट 1 है, थियोरिटिकल ट्रेनिंग से 40% वेटेज मार्क्स लिया जाएगा, इनप्लान ट्रेनिंग से 30% वेटेज मार्क्स लिया जाएगा, और फाइनल एब्जॉर्बेशन 2 साल के बाद जो इंटरव्यू होगा उसमें से 30% मार्क्स को उसमें लिया जाएगा। टोटल 100 में से जिसका 90% से ज्यादा आएगा उसको सिलेक्ट किया जाएगा साइंटिफिक असिस्टेंट सी में, जिसका लेवल 7 में 44,900 उसका बेसिक पे बनेगा, ठीक है। इसमें देखिए द ट्रेनिंग मस्ट सिक्योर मिनिमम 50% मार्क्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग मॉड्यूल। तो इसमें से एक्चुअली आपको 50% मार्क्स लाना ही पड़ता है। तो अभी बात आता है कि आप टेस्ट में पास अगर नहीं हो पाएंगे तो क्या, तो टेस्ट में अगर आप पास तो हो ही जाएंगे, क्योंकि एग्जाम जब आपका होता है उससे पहले आपको ट्रेनिंग दिया जाता है, कौन सा जगह से कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा वो आपको कॉपी में लिखाया जाता है, पूरा बताया जाता है कि ये सब आपको लिखना, ये आपको सब पढ़ना है, ये सब चीज पढ़ना है, बुक भी आपको दिया जाता है। तो उससे आपको पढ़ के छोटा छोटा सब्जेक्ट होता है, 31 सब्जेक्ट मतलब बहुत ज्यादा होता है, लेकिन टॉपिक आपको बहुत कम कम होता है, तो उसको पढ़ के जब एग्जाम में जाना है और एग्जाम में आपको लिख के आना है तो आपका तो टेक्नीशियन बी में सिलेक्शन पक्का है। कोई भी स्टूडेंट इसमें से रिमूव नहीं होता, जितना स्टूडेंट ट्रेनिंग में रहता सब स्टूडेंट को सिलेक्ट किया जाता है। देखिए इसमें बोला जब आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा तो जिसका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा उसका देखिए सिलेक्ट होगा वो टेक्नीशियन सी में, जिसका लेवल 4 में 25,500 बेसिक पे बनेगा, और जिसका 90% से कम मार्क्स रहेगा उसका लेवल 3 में 21,700 उसका बेसिक पे होगा। और बाकी देखिए जो कैटेगरी 1 है तो उसका सिलेक्शन देखिए 44,900 उसका होने वाला है जब आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा। तो ट्रेनिंग का बाद आपका सिलेक्शन साइंटिफिक असिस्टेंट सी में होगा, और लेवल 7 के हिसाब से 44,900 आपका बेसिक पे बनेगा, ठीक है। तो इससे आपको सब कुछ पता चलता है, जितना भी स्टूडेंट आप लोग जा रहे हैं मेडिकल कंप्लीट करने के बाद 2 साल का ट्रेनिंग अगर आप कंप्लीट करते हो तो आपका जॉब उसमें 100% पक्का है। सिर्फ आपको थोड़ा सा पढ़ना है, आपको सब कुछ बताया जाएगा, क्वेश्चन क्या क्या आएगा वो भी आपको ऑलमोस्ट बता दिया जाता है, आपको जस्ट वही टॉपिक को पढ़ के एग्जाम को अटेम्प्ट करके आना है, और इंटरव्यू भी आपको उसी जगह से पूछा जाएगा जिस फील्ड से आप काम करते हैं, कैसे कैसे काम करते हैं और कैसे आपको करना चाहिए वो सब रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। फैसिलिटी क्या क्या मिलता है, सबसे पहले यूनिफॉर्म, इसके लिए कोई बेसिक यूनिफॉर्म नहीं होता कि आपको यूनिफॉर्म डिपार्टमेंट का तरफ से प्रोवाइड किया जाता है कि नहीं, तो कोई भी यूनिफॉर्म आपको प्रोवाइड नहीं किया जाता, तो वो अपना हिसाब से आप पहन के जा सकते हैं कुछ भी, ठीक है। तो फॉर्मल ड्रेस में जाना सही होता है क्योंकि ऑफिस में जब आप जा रहे हैं, आइडेंटिटी कार्ड आपको एक प्रोवाइड किया जाता है, तो उसमें एक चिप्स भी होता है, तो चिप्स आपका उसमें मैग्नेटिक चिप्स होता है जिसका कारण उसमें जब चेकिंग होता है, चेकिंग का कारण उसमें बीप एक आवाज आके वो आपको दिखाता है कि इस कैंडिडेट का ये आइडेंटिटी नंबर है और इसका नेम ये है, तो चेकिंग का टाइम वो आपका आइडेंटिटी कार्ड आपका काम में आता है, आइडेंटिटी कार्ड भी आपको मिलता है। लेकिन ट्रेनिंग पीरियड का आइडेंटिटी कार्ड जो आप एब्जर्व हो जाते हैं टेक्नीशियन जब बन जाते हैं या साइंटिफिक असिस्टेंट बन जाते हैं तो उससे मतलब थोड़ा डिफरेंट होता है। और जब आपका ट्रेनिंग चलता है, ट्रेनिंग का टाइम
पहला दिन से जब आप मेडिकल में जाते हैं, मेडिकल का टाइम आपको तुरंत ज्वाइन हो जाता है अगर आप मेडिकली फिट होते हैं तो तब से आपको क्वार्टर दिया जाता है और क्वार्टर आपको शेयरिंग एकोमोडेशन दिया जाता है और इसके लिए आपको कुछ परसेंटेज काटा भी जाता है, शायद 200 से 250 रुपया आपका स्टाइपेंड से काटा जाता है। तो आपको शेयरिंग एकोमोडेशन दिया जाता है जिसमें आपका एक रूम होता है, मतलब उसमें दो बेडरूम होता है, एक किचन और एक बाथरूम और एक आप बोल सकते हैं टॉयलेट होता है, ठीक है। तो यही आपको मिलता है, उसमें आप खाना वाना सब बना सकते हैं और भी डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। और जब भी आपका 2 साल का ट्रेनिंग कंप्लीट होने वाला होगा तब उससे पहले आपका क्वार्टर के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो जब आप अप्लाई करते हैं तो मिनिमम आपको कुछ टाइम का बाद ही जब ज्वाइन हो जाता है, अब ऑब्जर्वेशन हो जाता है टेक्नीशियन या साइंटिफिक असिस्टेंट में, उसके बाद आपको मिल जाता है क्वार्टर भी। वर्किंग डेज इसमें देखिए टोटल 5 दिन काम करना पड़ता है, हाँ मंडे से आपको काम करना पड़ता है फ्राइडे तक और सैटरडे संडे इसमें ऑफ रहता है। और वर्किंग आवर इसमें टोटल 8 घंटा वर्किंग आवर होता है और वर्किंग आवर आपका 8 घंटा हो सकता है लेकिन आपको बस से जाने आने में लगभग आपका 10 घंटा का आसपास तो चले जाते हैं क्योंकि उसमें जाके चेकिंग करना पड़ता है, बहुत सारा जगह में उसमें चेकिंग होता है, इतना भी ईजी नहीं होता है। और मेडिकल फैसिलिटी आपको स्टाइपेंड ट्रेनी रहते टाइम भी आपको मिल जाता है। मेडिकल फैसिलिटी आपको जितना भी आपका खर्चा होता है मेडिकल, अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है 2 साल में, अगर आपका फैमिली में भी कुछ होता है तो आपको पूरा मिल जाता है। जैसे मैं जाने के बाद 2 दिन रहने के बाद ही हम लोग का टोटल 3 कैंडिडेट का डेंगू हो गया था, तो डेंगू में टोटल मेरा ही साथ एक कैंडिडेट का साथ 70,000 के आसपास टोटल खर्चा हुआ था, वो भी पूरा DA ने कैरी किया है और मेरा साथ 20,000 के आसपास खर्चा हुआ था। तो टोटल ये लोग पे कर देता है तो हमें इसके लिए कोई मुसीबत में पड़ना नहीं पड़ता। तो मेडिकल फैसिलिटी आपका फैमिली को मिल जाता है, मम्मी पापा और आपका अगर कोई अब मैरिड है तो आपका फैमिली को भी मिल जाता है, ठीक है। तो ये सब फैसिलिटी आपको मिल जाता है। और बॉन्ड सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जब भी आप ज्वाइन करते हैं तो उससे पहले आपको बॉन्ड में साइन करना पड़ता है। तो वो बॉन्ड में साइन बहुत सारा मतलब ऑफिसर भी करना नहीं चाहता लेकिन रिक्वेस्ट करने के बाद अगर किसी से जान पहचान है तभी वो साइन करता है। तो ऐसे बॉन्ड और एग्रीमेंट जो रहता है तो अभी इसका वैल्यू शायद और भी बढ़ गया है क्योंकि देखो इसमें जो स्टाइपेंड है स्टाइपेंड भी बढ़ गया है। तो स्टाइपेंड बढ़ने के कारण ये पुराना आप जो देख रहे हैं ना, ये अमाउंट जो देख रहे हैं ये पुराना अमाउंट है, ठीक है। तो अब पहले आपका 10,500 था और 12,500 था तो उस हिसाब से टोटल अगर आप लोग कैलकुलेट करते हैं इसको 12 से 12 महीने और इसका 12 महीने कैलकुलेट करने के बाद ITI स्टूडेंट के लिए मतलब कैटेगरी 2 के लिए 2,60,000 होता था और डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए 4,08,000 होता था। तो ये आपको पे करना पड़ता, कब तक आपको पे करना पड़ता, अगर आप 2 साल का ट्रेनिंग का बीच में छोड़ के जाते, 4 महीना ट्रेनिंग किया तो आपको 4 महीना का स्टाइपेंड मिला है। तो जब 4 महीने बाद आप छोड़ देंगे तो 4 महीना स्टाइपेंड के साथ कुछ से बहुत कम इंटरेस्ट के साथ आपको पे करके छोड़ना पड़ता, आप छोड़ सकते हैं। और अगर आपका ट्रेनिंग 2 साल का, 2 साल का आपका ट्रेनिंग हुआ, अगर आप एकदम जाके 21 महीना में मतलब 20 महीना में या 21 महीने में अगर जाके छोड़ते तो 21 महीने का स्टाइपेंड जितना होता है उसका साथ इंटरेस्ट को देके आपको छोड़ना पड़ता। और 2 साल जब भी आपका कंप्लीट हो जाता है, 2 साल जब भी कंप्लीट हो जाता है उसका बाद आपको 3 साल रहना ही पड़ेगा, 3 साल रहना पड़ेगा तभी ये आपका बॉन्ड क्लियर होगा। ऐसा नहीं कि 2 साल का बाद आप छोड़ते तो आपको बॉन्ड नहीं देना पड़ेगा। जब 2 साल आपका क्लियर हो जाएगा, आप एब्जर्व हो गया टेक्नीशियन बी या टेक्नीशियन सी, अदरवाइज डिप्लोमा स्टूडेंट जाएगा साइंटिफिक असिस्टेंट सी में, तो तब क्या होगा, तब अगर आप लोग एब्जर्व होने के बाद 3 साल तक आपका वो बॉन्ड रहेगा, 3 साल तक, 3 साल का बीच में अगर आप छोड़ देते हैं, 3 साल का बीच में मतलब एब्जर्व होने के बाद 3 साल का बीच में अगर आप छोड़ते तो ये फुल अमाउंट आपको देना पड़ेगा, ये भी फुल अमाउंट आपको देना पड़ेगा। सोचिए मैं ज्वाइन किया हूं, किया था 20 से 22 तक मेरा ट्रेनिंग चला है तो मैं 23 में अगर जाके छोड़ देता हूं तो 23 में छोड़ने के बाद हमें टोटल इतना ही पे करना पड़ेगा। अगर मैं 24 में भी जाके छोड़ता हूं तो इतना ही पे करना पड़ेगा। अगर मैं 25 में जाके छोड़ता हूं तो ये भी इतना ही पेमेंट करना पड़ेगा। जब मैं 2026 में छोड़ूंगा तो मेरा 5 साल टोटल हो गया है, 2 साल का ट्रेनिंग और 3 साल का एब्जॉर्बेशन होने के बाद, तो 5 साल के बाद जब 6 साल हो जाएगा 2026 में अगर मैं छोड़ता हूं तो बॉन्ड मेरा क्लियर हो जाएगा। तो वैसे ही होता है, टोटल 5 साल का एक्चुअली बॉन्ड रहता है। ट्रेनिंग पीरियड में अगर बीच में छोड़ के जाते तो जितना आपको मिलता है उतना आपको इंटरेस्ट का साथ देना पड़ेगा और ट्रेनिंग होने कंप्लीट होने के बाद जब एब्जॉर्ब हो जाते उसका बाद भी 3 साल आपको
रहना कंपलसरी है। अगर आप छोड़ते तो फुल अमाउंट आपको देना पड़ेगा, और ये अमाउंट 4,08,000 और 2,60,000 ये अभी अपडेटेड हो गया और भी ज्यादा हो जाएगा क्योंकि आपका स्टाइपेंड अभी बढ़ गया है, ठीक है। और इसको किसी गेजेटेड ऑफिसर बी या सी से आपको साइन करना, सॉरी गेजेटेड ऑफिसर बी से आपको साइन करना करवाना पड़ता, जनरली कोई करता नहीं है क्योंकि मेरा टाइम भी बहुत सारा ऑफिसर का पास जाके, जैसे पोस्ट मास्टर, डॉक्टर, हाई स्कूल मास्टर का पास गया था, इसके बाद वेटरनरी डॉक्टर, पोस्ट ऑफिस और भी एडीओ बीडीओ के पास जाने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। फाइनली लास्ट में एक डॉक्टर जो मेरा जान पहचान वाला था तो उससे जाके इसमें मैंने साइन करवाया था। इसमें देखिए प्रोमोशन, तो प्रोमोशन जो स्टूडेंट का हायर क्वालिफिकेशन है, जैसे अगर किसी का बीएससी है या डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग है तो एब्जर्व होने का 6 साल का बाद, आपका ये जो क्वालिफिकेशन है वो आपका अप्लाई होगा, ठीक है। तो जब आप फॉर्म फिलअप करते हैं, अगर आप लोग दे देते हैं कि मेरा डिप्लोमा है तो वो आपका एब्जर्व होने का 6 साल का बाद आपका ये जो क्वालिफिकेशन है वो आपका अप्लाई होगा आपका कैरियर में। और किसी का बीटेक, एएमआई या एमएससी है उसका एब्जर्व होने का 8 साल का बाद ये क्वालिफिकेशन जाके अप्लाई होगा आपका कैरियर में। और एमटेक या पीएचडी है तो उसका 10 साल का बाद, एब्जर्व होने का 10 साल के बाद ये क्वालिफिकेशन जाके उसका करियर में अप्लाई होगा, उस बेसिस पे आपका तब प्रमोशन होने लगेगा, आपका तब ट्रैक चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए जो बेसिक रूल बाकी रह गया है तो इससे आप लोग इसको देख सकते हैं, जैसे इसका बारे में आपको पूरा डिटेल में आइडिया आपको मिल जाएगा। देखिए जनरल गाइडलाइन फॉर कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2 ट्रेनी, इसमें आपको कितना स्टाइपेंड मिलेगा तो ये आपको बताया जा रहा था, हम लोगों का टाइम इतना ही था। देखिए फर्स्ट ईयर में हम लोग 10,500, सेकेंड ईयर में 12,500 और तब डिप्लोमा स्टूडेंट को 16,000 और 18,000 मिलता था, तो इसको अपडेट कर दिया मैंने, पहले आपको बताया हूँ। बुक अलाउंस, तो आपको ट्रेनिंग का टाइम बुक अलाउंस 3,000 का दिया जाता है, 3,000 का आपको बुक अलाउंस दिया जाता है, जो आपका जो 31 सब्जेक्ट मैंने बताया हूँ तो यूनिट के हिसाब से अलग अलग होता है, तो वो सब्जेक्ट का बुक आपको खरीदना पड़ता है, अपना ट्रेड का भी बुक आप खरीद सकते हैं, तो सबका बिल इनवॉइस रहना चाहिए, तो आपको सबमिट भी करना पड़ता है तब आपको 3,000 क्लेम करने पर मिल जाता है। और डिपॉजिट, आपको डिपॉजिट करना पड़ता है क्वेश्चन फी का हिसाब से 3,000, एंड अमाउंट ऑफ 3,000 इज एज रिफंडेबल क्वेश्चन डिपॉजिट टू बी डिपॉजिटेड एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ ट्रेनिंग। तो जब आप ज्वाइन करते हैं तो 3,000 का आपको एक डिमांड ड्राफ्ट जमा करना पड़ता है, जब आपका ज्वाइनिंग होता है तो उसमें आपका 3,000 का एक दिखेगा डिमांड ड्राफ्ट आपको मांगेगा, तो आपको जमा करना पड़ता, द अमाउंट विल बी रिफंडेड, रिफंड कब होगा 3,000 ऑन कंप्लीटेशन ऑफ ट्रेनिंग आफ्टर द रिसिप्ट नो ड्यू सर्टिफिकेट फ्रॉम द ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर्स ऑफ बोथ क्लासरूम एंड ऑन जॉब ट्रेनिंग एंड अथॉरिटीज ऑल द आइटम्स एंड amenities such as libraries card, identity card, CHSS card, wages and other items issued during the course of the training। तो इसमें जो आपका 3,000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट लिया जाएगा ज्वाइनिंग का टाइम, वो आपको रिफंड भी किया जाएगा ट्रेनिंग आपका खत्म होने के बाद, क्लासरूम ट्रेनिंग और जो आपका इनप्लान ट्रेनिंग होगा खत्म होने के बाद, जब सक्सेसफुली खत्म हो जाएगा जो आपका ट्रेनिंग ऑफिसर रहेगा, ट्रेनिंग देखिए इसमें बोला ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर या ट्रेनिंग जो ऑफिसर रहेगा, इंचार्ज रहेगा, तो वो जब सब कुछ क्लियर कर देगा कि हाँ ट्रेनिंग करते वक्त क्लासरूम में कोई कुछ भी तोड़ फोड़ा नहीं किया, या कुछ भी आपका जैसे लाइब्रेरी कार्ड खोया नहीं है, आइडेंटिटी कार्ड खोया नहीं, CHSS या बैजेस कोई भी उसने उसका खोया भी नहीं है, उसको नया उसको देना नहीं पड़ा था, जो पहले दिया था वही है, तो ये सब अगर आप लोग आइडेंटिटी कार्ड को खो देते हैं तो इसके लिए आपको फिर इससे जो 3,000 रुपये आप जमा किए थे तो उससे आपको काट के आइडेंटिटी कार्ड का जितना प्राइस होता है काट के आपको लास्ट में रिफंड किया जाएगा। तो ट्रेनिंग ऑफिसर जो रहता है या ट्रेनिंग इंचार्ज जो रहता है वो ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद जब क्लियरेंस दे देगा कि हाँ उसने कुछ नहीं किया है, वो सब उसका ठीक ठाक है, अगर नहीं है तो उससे काट के आपका 3,000 में से जितना होगा वो दिया जाएगा, और जिसका कुछ भी नहीं है तो उसको मतलब जिसका कोई नुकसान नहीं किया तो उसको 3,000 रुपया पूरा रिफंड किया जाएगा। बॉन्ड एंड एग्रीमेंट के बारे में मैं आपको बता दिया हूँ, इसका बॉन्ड अमाउंट अभी अपडेटेड हो गया, नया जो एडवर्टाइजमेंट आएगा उससे आपको पता चल जाएगा। प्री ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज, ट्रेनीज आर रिक्वायर्ड टू फिल ए सेट ऑफ फॉर्म्स और कंप्लीटिंग देयर प्री ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज। देखो ज्वाइनिंग करने के लिए आपको अटेस्टेशन फॉर्म और SSQ फॉर्म मिलता है, ठीक है, तो और बॉन्ड मिलता है, तो अटेस्टेशन फॉर्म, SSQ फॉर्म और बॉन्ड आपको फिलअप करके आपको लेके आना पड़ता है, ज्वाइनिंग का दिन आपको जमा करना पड़ता है। आइडेंटिटी कार्ड देखिए, द ट्रेनी विल बी इशूड फोटो आइडेंटिटी कार्ड व्हिच शुड बी डिस्प्लेड व्हाइल विद इन डिपार्टमेंटल कैंपस। तो
आपको आइडेंटिटी कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा। मैंने आपको बताया हूँ जब भी आप डिपार्टमेंटल कैंपस पर आएंगे तो आपको काफी सारा जगह में शायद 5 से 7 जगह में उससे भी ज्यादा जगह में आपको आइडेंटिटी कार्ड आपको शो करते हुए आपको जाना पड़ेगा डिपार्टमेंट के अंदर। लॉस ऑफ आइडेंटिटी कार्ड इज ए सीरियस इशू एंड हैज टू बी रिपोर्टेड टू द लोकल पुलिस स्टेशन। अगर आप इसको खो देते हैं, अगर आपका आइडेंटिटी कार्ड खो जाता है तो इसकी काफी सीरियस इश्यू है, तुरंत आपको पुलिस स्टेशन में जाके इमीडिएटली खबर करना पड़ता है। कंसर्न ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर शुड ऑल्सो इन्फॉर्म इन राइटिंग एंड इमीडिएटली। तो इसके लिए जो आपका कंसर्न ऑफिसर इंचार्ज रहेगा या ट्रेनिंग इंचार्ज रहेगा उसको भी जल्दी आपको इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा, और इसके लिए आपको नया बनाने के लिए आपको पेमेंट भी करना पड़ेगा। आपका तो कॉस्ट फीस कट जाता है, और जो आपको बस से लेके जाता है आपका जिस आप बोल सकते हैं कैंपस में रहते हैं या जिस टाउनशिप में रहते हैं, तो टाउनशिप से आपको डिपार्टमेंट तक एकदम अंदर तक लेके जाने के लिए बस का सर्विस अवेलेबल होता है। इसके लिए आपको पेमेंट भी कुछ करना पड़ता है, 60-70 रुपया या 100 रुपये के आसपास आपको पेमेंट करना पड़ता है। मेडिकल फैसिलिटी देखिए, आपको सब मेडिकल फैसिलिटी मिल जाता है, मैंने आप लोगों को पहले बताया हूँ। CHSS डिस्पेंसरी, मैंने जैसे मेरा पोस्टिंग था BRC कल्पकम में, तो उसमें जाके मैंने ज्वाइन किया था, और उसमें एक एटॉमिक एनर्जी का हॉस्पिटल भी था, तो उसमें जाके हम लोग कभी भी जो भी प्रॉब्लम होता था हम लोग जाके उसमें कंसल्ट कर सकते थे डॉक्टर के साथ। और देखिए जो स्टूडेंट आप लोग अभी तैयारी कर रहे हैं, उस स्टूडेंट के लिए मैं आप लोग को यही कहूंगा कि जो स्टूडेंट अभी तक वीडियो को देख रहा है, इससे आप लोग को बहुत कुछ जानकारी मिल रहा है कि इसका बारे में आपका क्या क्या होने वाला है, आप रिजेक्ट हो जाएंगे या नहीं होगा, आपका कितना सब्जेक्ट होगा। तो सभी स्टूडेंट को कहूंगा कि प्रिपेरेशन को अच्छा से कीजिए, क्योंकि हम लोग का टाइम सीट संख्या बहुत कम था। मेरा टाइम में टोटल फीटर में 12 सीट था, उसमें से ओनली 6 कैंडिडेट ही सिलेक्ट हुआ था, बाकी कैंडिडेट तो पहला स्टेज में रिजेक्ट हो गया था, तो बाकी पोस्ट में भी उतना ही कम सीट निकालना था। तो अभी तो काफी पोस्ट निकला है, तो आप लोग अच्छा से ट्राई कीजिए। और प्रिपेरेशन मैं यूट्यूब चैनल पर करता हूँ, तो प्रिपेरेशन उसमें भी आप ज्वाइन हो सकते हैं और अपना प्रिपेरेशन को अच्छा से कर सकते हैं। और जैसे एकोमोडेशन के बारे में मैंने आप लोग को बताया हूँ, एक क्वार्टर मिलेगा जो आपका शेयरिंग एकोमोडेशन होगा, एक क्वार्टर में 2 आपका बेडरूम रहेगा, एक किचन, एक बाथरूम और एक टॉयलेट रहेगा, ठीक है। तो 2 बेडरूम में एक एक करके टोटल इसमें कैंडिडेट रहेगा, तो एक क्वार्टर के लिए 2 कैंडिडेट एलिजिबल होता है, और जो आपका किचन होता है, बाथरूम होता है, टॉयलेट होता है, आपका शेयरिंग होता है। देखिए इसमें आपको कुछ रूल्स दिया है, जैसे ट्रेनीज आर नॉट परमिटेड टू एकोमोडेट गेस्ट इन देयर रूम। तो जब आपका ट्रेनिंग चलेगा तो उस शेयरिंग एकोमोडेशन में किसी भी अलग से गेस्ट को आप लेके अपने रूम पर नहीं रख सकते हैं। अलॉटमेंट इज ए फॉर ए पीरियड ऑफ 2 ईयर्स ओनली, तो ये आपका अलॉटमेंट 2 साल के लिए ही दिया गया है। ट्रेनीज आर रिक्वेस्टेड टू वैकेट एट द एंड ऑफ द पीरियड ऑफ द अर्लियर। तो जब भी आपका ट्रेनिंग खत्म होगा तो जितना जल्दी हो सके अपना उस क्वार्टर को छोड़ के जाना है, और इफ रिक्वायर्ड बाय द मैनेजमेंट अंडर एनी अनफॉर्सिन सर्कमस्टेंसेस, और अगर कोई भी दिक्कत होता है तो उस रूम का भी चेंजेस आपको करवाया जा सकता है। ट्रेनीज हु आर पोस्टेड टू आउटस्टेशन यूनिट, जो ट्रेनी आउटस्टेशन यूनिट में पोस्टेड है तो उसको अपना एकोमोडेट को जल्दी खाली करना होगा, और उसका ट्रेनिंग इंचार्ज ऑफिसर को जल्दी बताना है। ट्रेनिंग सेल एनश्योर दैट देयर रूम आर केप्ट क्लीन एंड क्लियर, जो भी ट्रेनिंग के लिए आपका रूम प्रोवाइड किया जाएगा और साफ सुथरा रखना है। नो स्क्रिबलिंग शुड बी मेड ऑन द रूम वॉल, डोर और कॉरिडोर वॉल, जो भी आपका रूम दिया जाएगा उसमें प्रॉपरली आपका पेंटेड रहेगा, तो उसके ऊपर कोई भी डिजाइन या कोई भी मार्क आपको नहीं करना है। अपना हिसाब से दीवार को आप लोग छेद नहीं कर सकते, उसके ऊपर कुछ भी एक्स्ट्रा आप नहीं कर सकते। अगर करते हैं तो ट्रेनिंग जब आपका खत्म होने वाला उससे पहले आपको फिर से पेंटिंग कर देना पड़ेगा, कलर कर देना पड़ेगा। इसके बाद इधर फिक्सर एंड द फर्नीचर इफ प्रोवाइडेड, जो आपको फर्नीचर जो अलमारी प्रोवाइड किया जाएगा इन द रूम हैव टू बी मेंटेन प्रॉपरली, तो उसको सही सलामत रखना चाहिए। और देखिए अगर कुछ भी दिक्कत होता है, जैसे हम लोग का जो खिड़की होता था उसका कांच टूटा हुआ था, तो उसको ठीक करने के लिए उधर आपको कंप्लेंट भी जाके करना पड़ता, तो वो आपको ठीक करके भी देके जाएगा। कंप्लेंट्स रिगार्डिंग द नॉन फंक्शनिंग ऑफ लाइट फैन, लीकेज ऑफ वाटर टैप्स एटसेट्रा टू बी रजिस्टर्ड विद इन द ऑफिस कॉन्सर्न, जो भी आपका प्रॉब्लम है लाइट फैन का, इलेक्ट्रिसिटी का कोई प्रॉब्लम होता है या वाटर टैप का लीकेज का, ड्रेनेज का कोई भी प्रॉब्लम होता है, तो वो आपका अलग ऑफिस होता है, उधर जाके आपको कंप्लेन भी करके आना पड़ता है, तो उधर से आपको आता है आदमी, आके उसको ठीक करवा के जाते हैं। ट्रेनीज आर नॉट अलाउड टू चेंज द रूम एलोटेड, जो आपको रूम एलोट किया जाएगा वो आप अपने मन से चेंज नहीं कर सकते, अदरवाइज आप लोग दोस्त से मिलके तो चेंज कर सकते हो, वो अपने ऊपर अपने का अंदर ही रहना चाहिए। इसके बाद देखिए ट्रेनीज शैल नॉट बी हैंड ओवर देयर रूम
कि टू द फ्रेंड्स और एक्यूटेंस अदर अदर इनमेट्स अंडर एनी सर्कमस्टेंस, मतलब आपका रूम का किसी को देना नहीं चाहिए, आपका रूम पर्सनल होना चाहिए। द ट्रेनिंग आर रिक्वायर्ड टू इंश्योर दैट वाटर टैप आर क्लोज, लाइट फैंस आर स्विच ऑफ बिफोर लीविंग द रूम, एक्सरसाइज ऑफ इकोनॉमी इन द यूज ऑफ वाटर इलेक्ट्रिसिटी स्ट्रॉन्गली एडवोकेटेड। इसमें बोल रहे जब भी आप ट्रेनिंग के लिए रूम छोड़ के जाएंगे या कहीं बाजार आप जाएंगे, तो जब भी आप रूम से निकालते तो उससे पहले आपको रूम का लाइट फैन का स्विच ऑफ करना चाहिए, वाटर टैप को बंद करके रखना चाहिए। ये कुछ गाइडलाइंस आपको दिया गया। इसका बाद देखिए, डोर्स विंडोज ऑफ द रूम शैल बी प्रॉपरली लॉक्ड, और इसका विंडो डोर को प्रॉपरली लॉक करके जाना है। सिक्योर बिफोर द ऑक्युपेंट्स लीव द रूम, अवॉइड थेफ्ट मंकी मेन्स एटसेट्रा, मतलब अगर आप लोग खिड़की या दरवाजा खोल के गलती से भी चले जाते तो आपका चोरी भी हो सकता है या बंदर भी उसका अंदर घुस जा सकता है, थोड़ा सा उसका उत्पाद भी है। इसका बाद देखिए, स्टे ऑफ फ्रेंड्स और रिलेटिव्स इन द रूम प्रोवाइडेड टू देम इज नॉट परमिसेबल, अगर आपका किसी भी रिलेटेड आता है या फ्रेंड आता तो उसमें आप रहने नहीं दे सकते। तो अगर आप चाहते तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा साइलेंट रहना है, किसी को बताना नहीं। कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक सब्सटेंसेस ड्रग्स गैम्बलिंग ऑफ स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, आप इसमें कुछ भी ड्रिंक नहीं कर सकते हैं। ये तो आपको जस्ट कुछ बताया गया रूल्स एंड रेगुलेशन है, बट आप कुछ भी तो करेंगे। प्लेइंग ऑफ रेडियो म्यूजिक सिस्टम टीवी शुड नॉट बी ए कॉज ऑफ डिस्टर्बेंस टू द अदर, अगर आप रेडियो चलाते हैं, म्यूजिक सिस्टम टीवी चलाते हो तो किसी का डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। और ये आपको सुबह मतलब रात 11 बजे से 6 बजे तक आपको टोटली ऑफ करके रखना चाहिए। ट्रेनिंग में ऑब्जर्व मैनर डिकोरम ड्रेस कोड एंड दे शुड एंश्योर दैट देयर बिहेवियर एक्टिविटीज डू नॉट कॉज एनी डिस्टर्बेंस nuisance to the other occupants in the building। तो देखो इसमें आपको डिसिप्लिन रहना है और ड्रेस आपको सही से अच्छा से पहनना चाहिए, ऐसा ड्रेस कुछ भी मेंशन नहीं है। तो जो भी आप पढ़ेंगे वो साफ सुथरा होना चाहिए, प्रॉपरली क्लीन होना चाहिए। एनी वायोलेशन ऑफ द गाइडलाइंस शैल बी व्यूड सीरियसली एंड एक्शन एज अ डीम्ड फिट, तो अगर आप इसमें से कुछ भी रूल्स को तोड़ते और अगर खबर पहुंचता है, अगर ट्रेनिंग इंचार्ज को पता चलता है, तो इसके लिए आपको पनिशमेंट भी दिया जाएगा और आपको मेडिकल लीव आपको मिल जाता है। टोटल 8 मेडिकल लीव मिल जाता है। और मेडिकल लीव सोच के अगर आप सोचते हैं कि मेडिकल लीव हम लोग कभी भी लगा देंगे, तो ऐसा नहीं होता। अगर आप बाहर से भी मेडिकल लीव का सर्टिफिकेट लेके आते हो तो वैलिड नहीं होगा। मेडिकल लीव लेना है तो साइन आपको करना पड़ेगा डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का जो हॉस्पिटल है उसी से, उसी में किसी डॉक्टर सबको साइन करना पड़ेगा जो जनरली करता नहीं है। अगर आप उसको उसका साथ दोस्ती हो जाता तो अलग बात है, तो वो आपका ऊपर डिपेंड करेगा। इसके बाद देखिए, वैकेशन के लिए आपको टोटल 15 दिन का छुट्टी मिलेगा। इसमें आपका जो ऑन जॉब ट्रेनिंग चलेगा, मतलब पहला 6 महीने में आप घर नहीं जा सकते हैं, जो आपका क्लासरूम ट्रेनिंग चलेगा उसमें आप घर नहीं जा सकते। बाकी जो आपका 6 महीने खत्म होगा उसके बाद 1.5 साल का जो आपका बाकी टाइम पीरियड रहेगा उसमें आपको 15 दिन का वैकेशन मिलेगा। आप उसको 2 बार में भी जा सकते हैं, 7 दिन करके, क्योंकि आपको जाने आने में टाइम लग जाता है। तो इसमें आपको 15 दिन का छुट्टी मिलेगा, 8 दिन का जो मेडिकल लीव है। अगर आप डॉक्टर के साथ अच्छा से मिलजुल कर रहेंगे, अगर आपका कोई भी जान पहचान वाला डॉक्टर है तो तभी वो साइन करेगा, अदरवाइज कुछ नहीं करेगा। अटेंडेंस इन क्लासरूम और ऑन जॉब ट्रेनिंग, तो जब भी आप ऑन जॉब ट्रेनिंग कर रहे हैं या क्लासरूम ट्रेनिंग कर रहे हैं तो अटेंडेंस तो आपको एकदम 100% सभी दिन अटेंडेंस होना चाहिए। जितना आपको वैकेशन की छुट्टी दिया है और मेडिकल छुट्टी दिया है वो छोड़ के आपको डेली जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप स्कूल में जा रहे हैं, आपको लगेगा जैसा ट्रेनिंग चलेगा, क्लासरूम ट्रेनिंग चलेगा तो आपको लगेगा कि आप जॉब कर नहीं रहा, आपको लगेगा कि आप किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपका वो थोड़ा प्रेशर भी रहेगा, कुछ सब्जेक्ट भी है तो आपको पढ़ना है, एग्जाम भी होता है, लेकिन आपको वो ज्यादा दिन तक नहीं होता है, 2 साल आपको थोड़ा झेलना पड़ता है बाकी, लेकिन सभी स्टूडेंट झेलता नहीं है, बाकी तो आपका सब ठीक ठाक हो जाएगा। तो यही जो वैकेशन है और जो मेडिकल लीव है वो सब छोड़ के आपको बिल्कुल भी एब्सेंट नहीं करना है, ठीक है। इसका बाद देखिए, इसको आप स्किनसर भी ले सकते हैं, क्योंकि रिक्रूटमेंट रूल आपको मिलता है ज्वाइनिंग से एकदम पहले, आपको जनरली ये तो ऑफिशियल साइट पर भी नहीं दिया जाता है। ट्रेनिंग आर रिक्वायर्ड टू साइन द अटेंडेंस शीट ड्यूरिंग ईच लेक्चर ऑफ पीरियड, जब भी जो लेक्चरर आएगा तो उसमें अटेंडेंस सीट रहेगा, तो उसमें आपको डेली साइन करना होता है। अगर मिस कर देते तो सोचेगा, आप टॉयलेट में भी जाके बैठे रह सकते हैं, आप कहीं जाके भी उधर किचन में भी सॉरी कैंटीन में भी जाके आप बैठ सकते हैं क्लास को स्किप करने के लिए। अब तो गए हैं ऑफिस, लेकिन स्किप करने के लिए कैंटीन में अगर आप बैठे रहेंगे तो आप तो क्लास में साइन नहीं करेंगे, तो आपको पता चलेगा, वो लोग पता चलेगा वो साइन नहीं के मतलब वो क्लास में अटेंड नहीं था। सिग्नेचर शुड बी आइडेंटिकल टू द
वन अफिक्स टू द आइडेंटिटी कार्ड, मतलब जो आपका आइडेंटिटी कार्ड में सिग्नेचर होगा उसी सिग्नेचर में आपको डेली साइन करना पड़ेगा अटेंडेंस शीट में। वेरिएशन इन द सिग्नेचर विल बी ट्रीटेड एज द एब्सेंट एंड स्टाइपेंड फॉर द डे विल बी डिडक्टेड। अगर आपका सिग्नेचर में हेर फेर होता है तो वो आपका जिस दिन का वैसे होगा उस दिन का स्टाइपेंड आपका काटा जाएगा। नो लीव ऑफ एब्सेंस इज अलाउड विद द परमिशन ऑफ ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर, मतलब ट्रेनिंग इंचार्ज का परमिशन के बिना आप छुट्टी नहीं ले सकते हैं। Those who remain absent for medical or any other reason are required to inform the training coordinator on the same day। जो किसी भी दिन अगर आप लोग absent करते हैं medical purpose में या आपका किसी other purpose में 15 तो छुट्टी आप उससे ले सकते हैं, तो इसके लिए आपको उसी दिन इंचार्ज को inform करना है। Leave on account of medical reason should be applied in the application form accompanied with the medical certificate। तो जब भी आप छुट्टी लेंगे उसके बाद अगले दिन आके आपको मेडिकल फॉर्म भी भरना पड़ेगा और इसके उसका साथ साथ मेडिकल सर्टिफिकेट जो आपका सीएच का हॉस्पिटल सीएचएसएस का या डिपार्टमेंट का जो हॉस्पिटल है उसी से आपको मेडिकल सर्टिफिकेट लेके आना पड़ेगा। ओके और ये सिर्फ आपका होगा ट्रेनिंग चलते टाइम। मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर्म एनी अदर डॉक्टर शैल नॉट बी इंटरटेड, किसी अदर डॉक्टर से वो नहीं चलेगा। एब्सेंस ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन इज नॉट अलाउड, जब परीक्षा चलेगा तो आप एब्सेंट नहीं कर सकते हैं, आपको डेली हाजिर रहना है। और अगर आप लोग एब्सेंट आपका मेडिकल पर्पस में एब्सेंट भी होता है तो वो आपका री एग्जाम भी होने वाला है, तो उसमें आपको फिर से री एग्जाम किसी दूसरा दिन देना पड़ेगा। एक्सेंट फॉर अनऑथराइज्ड एब्सेंस फ्रॉम द ट्रेनिंग और ओवरस्टे ऑफ लीव, इन केस ऑफ क्यूमुलेटिव एब्सेंस विदाउट अप्रूवल अप टू 14 डेज और ऑन नॉट मोर देन 3 ओकेशन 10 मार्क्स टू बी डिडक्टेड फॉर ईच वर्किंग डेज ऑफ एब्सेंस इन एडिशन टू डिडक्शन ऑफ स्टाइपेंड। तो इसमें देखिए, इसमें आपको बोला गया 14 दिन से ज्यादा अगर आप लोग एब्सेंट कर देते हैं अप्रूवल छोड़ के, अगर आप ट्रेनिंग इंचार्ज से अप्रूवल लेके जाते हैं और एब्सेंट करते हैं तो वो आपका अलग बात है। अगर बिना अप्रूवल का अगर आप चले गए 14 दिन से ज्यादा अगर आप लोग छुट्टी ले लिए हैं तो आपका देखिए 10 मार्क्स टू बी डिडक्टेड फॉर ईच वर्किंग डे, तो ईच वर्किंग डे के लिए 10 मार्क्स आपका मार्क्स से डिडक्ट हो जाएगा और आपका उसी दिन का डेली आपका स्टाइपेंड भी काटा जाएगा। एब्सेंट विदाउट अप्रूवल ऑन मोर देन 3 ओकेशन से ज्यादा अगर आप लोग एब्सेंट कर देते हैं लीड टू द टर्मिनेशन विदाउट इमीडिएट इफेक्ट इरेस्पेक्टिव ऑफ द टोटल क्यूमुलेटिव पीरियड। तो अगर आप लोग 3 ओकेशन से ज्यादा छुट्टी ले लेते, मतलब अगर 21 डेज के आसपास अगर आप लोग छुट्टी ले लेते बिना परमिशन के ट्रेनिंग ऑफिसर को बिना बता के, तो आप लोगों का ट्रेनिंग भी टर्मिनेट हो जाएगा, मतलब आप उस पोस्ट से निकाल दिया जाओगे। ठीक है, इन केस ऑफ कंटिन्यूअस एब्सेंस विदाउट अप्रूवल बियॉन्ड 7 डेज कॉन्सर्न ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर विल इन्फॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन फॉर इश्यूइंग सो कॉज नोटिस। अगर आप बिना बता के बिना इन्फॉर्म करके ट्रेनिंग ऑफिसर का इन्फॉर्म करके अगर आप लोग 7 दिन से ज्यादा छुट्टी ले लेते तो आपका एडमिनिस्ट्रेशन सबसे पहले ट्रेनिंग आपका इंचार्ज एडमिनिस्ट्रेशन को बताएगा, एडमिनिस्ट्रेशन आपको सो कॉज लेटर भेजेगा कि इसलिए आप 7 दिन से ज्यादा एब्सेंट है वो भी बिना परमिशन लेके। इन केस ऑफ क्यूमुलेटिव एब्सेंस विदाउट अप्रूवल एक्सीडिंग 14 डेज, अगर बिना परमिशन के 14 दिन से ज्यादा अगर आप एब्सेंट करते हैं तो ट्रेनिंग शैल बी टर्मिनेटेड विदाउट इमीडिएट इफेक्ट, तो आपको ट्रेनिंग से जल्दी निकाल दिया जाएगा विदाउट एनी फर्दर नोटिस, आपको कोई भी फर्दर नोटिस दिया नहीं जाएगा। देखिए कॉन्डोनेशन फॉर एब्सेंस, तो एब्सेंस फ्रॉम द ट्रेनिंग नॉट कवर्ड अंडर क्लॉज 10 एंड 11, देखिए इसमें आपको यही बोला है। Bereavement in the family with respect to immediate blood relative parents or siblings up to maximum 14 days, अगर आपका parent अभी किसी भी आपका parents का अगर कोई दिक्कत होता है या अगर आपका family member का कोई problem हुआ, आपका बच्चे का आपका बीबी का कोई problem हुआ, तो maximum 14 days का immediate छुट्टी ले सकते हैं। Prolonged medical treatment under CHSS on a case basis सर्टिफिकेट बाय द CHS डॉक्टर, अगर मेडिकल ट्रीटमेंट आपका काफी लंबा दिन का होता है तो आपका डॉक्टर से आपका सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। मैटरनिटी ड्यूरिंग ट्रेनिंग अप टू मैक्सिमम ऑफ 180 डेज, तो जब आपका बच्चे होगा बेबी का जब बच्चा होगा तो उसमें तब आपको 180 दिन का मैक्सिमम छुट्टी मिल सकता है ट्रेनिंग पीरियड में। ठीक है, मतलब किसी भी लेडीज के लिए, एक्चुअली किसी भी लेडीज के लिए शायद हमें ये लगता है। द ट्रेनिंग पीरियड शैल बी एक्सटेंडेड बाय द ड्यूरेशन
सेम ड्यूरेशन एज पीरियड ऑफ एब्सेंस कॉन्ड। तो जितना दिन का आप 180 दिन में अगर आप लोग 150 दिन छुट्टी लगाते या 50 दिन छुट्टी लगाते तो ट्रेनिंग उतना आपको 50 दिन का एक्स्ट्रा होगा और उसके लिए कोई भी आपको स्टाइपेंड 50 दिन का नहीं दिया जाएगा एक्स्ट्रा। ट्रेनिंग एंड इवेल्यूशन आपको बता दें कि क्लासरूम ट्रेनिंग होता है, उसके बाद इनप्लान ट्रेनिंग होता है। क्लासरूम ट्रेनिंग में 3 महीने आपका सबसे पहले नॉन टेक्निकल में न्यूक्लियर साइंस, रेडिएशन, हेल्थ, फिजिक्स, इंडस्ट्रियल सेफ्टी, इंग्लिश लैंग्वेज, बिहेवियरल एंड कम्युनिकेशन स्किल, कंप्यूटर एप्लीकेशन के बारे में आपको पढ़ाया जाता है। और बाकी 3 महीने आपका इंजीनियरिंग ट्रेड, इंजीनियरिंग का जो डिप्लोमा का इंजीनियरिंग और आईटीआई का ट्रेड और साइंस स्टूडेंट के लिए साइंस का बारे में पढ़ाया जाता है। और 18 महीने का इनप्लान ट्रेनिंग या ऑन जॉब ट्रेनिंग आपका होता है। देखिए वेट ये आपका हो गया। और लास्ट में आप देख लीजिए प्लेसमेंट आफ्टर ट्रेनिंग, जो आपका प्लेसमेंट कहां पर होगा। जब आपका ट्रेनिंग 2 साल का कंप्लीट हो जाएगा तो आपका तो प्लेसमेंट कहीं नहीं होगा, आपका टेक्निशियन भी नहीं होगा। अगर आपका परफॉर्मेंस खराब भी है, आपको डिसिप्लिन थोड़ा मेंटेन करना है, छुट्टी वगैरह सब आपको बता के लेना है, तो आपका तो टेक्नीशियन भी पक्का, सबको टेक्नीशियन में भी मिलेगा। और जिसका परफॉर्मेंस 90% अबव होगा उसका टेक्नीशियन सी मिल जाएगा। टेक्नीशियन सी ऐसे किसी को नहीं मिलता, ठीक है, जिसका परफॉर्मेंस अच्छा होता है। लेकिन हर बार किसी ना किसी 1-2-3 कैंडिडेट को तो मिलते हैं। तो जैसे हम लोग का रिक्रूटमेंट आया था BRC कल्पकम की तरफ से, तो ट्रेनिंग होने के बाद कल्पकम में पोस्टिंग दिया जाएगा। लेकिन इस बार जो DAE का रिक्रूटमेंट आया है BARC का तरफ से, तो इसमें आपको लिखा है देखना सामने कि किसी भी DAE का यूनिट में वो पोस्टिंग दे सकता है। BARC ट्रॉम्बे, BARC तारापुर, BARC मैसूर, BARC कल्पकम, किसी भी जगह में, या हो सके तो वो किसी भी जैसे BECC में भी भेज सकता है, हो सके तो NFC में भी भेज सकते हैं। DAE का किसी भी यूनिट में पोस्टिंग देगा, तो वो अपने ऊपर नहीं डिपेंड करता, वो डिपार्टमेंट डिसाइड करेगा। बाद में आप म्यूचुअल या किसी कैंडिडेट का साथ, किसी एम्प्लॉय का साथ जाके आप म्यूचुअल ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन पहले जो आपको इनिशियल पोस्टिंग दिया जाएगा वो डिपार्टमेंट करता है। इसके बाद देखिए एब्जॉर्बेशन होने के लिए जो क्राइटेरिया मैंने आप लोग को बता दिया हूं, और डिसिप्लिन मेन है, आपको डिसिप्लिन सब कुछ मेंटेन करके चलना है। और मैं आपको यही बताऊंगा, देखो इसका बारे में स्टाइपेंड ट्रेनिंग के बारे में जितना डिटेल में मैं बताया हूँ ना, वो भी एक रिक्रूटमेंट है रूल बुक का साथ, ये आपको इतना डिटेल में आपको कोई नहीं बताएगा। मैं जो भी चीज बताता हूँ, जो भी वीडियो बनाता हूँ, उसमें कुछ आप लोगों को नया देने का कोशिश करता हूँ। तो आप लोगों को मैं यही कहूंगा कि आप लोग अगर तैयारी करें तो चाहे आप लोग टेक्नीशियन पोस्ट के लिए, मतलब स्टाइपेंडरी के बाद तो टेक्नीशियन अदरवाइज साइंटिफिक असिस्टेंट भी, तो ITI स्टूडेंट के लिए तो स्टडी मटेरियल्स मैंने आप लोग को दिखा दिया हूँ। और इसके लिए जो क्लास जो चलता है YouTube पर देखना, 2000 टेक्निकल MCQ का क्लास मैं प्रोवाइड करता हूँ। फीटर टर्नर मैशिनिस्ट वेल्डर और ग्राइंडर ट्रेड स्टूडेंट के लिए वो क्लास भी आप फॉलो कर सकते हैं। टोटल मैंने 1200 क्वेश्चन कंप्लीट किया हूँ। और प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए टेस्ट सीरीज है, एडवांस एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, तो आप लोग उससे जाके ज्वाइन हो सकते हैं और आप लोग काफी अच्छा तरीके से प्रिपरेशन को कर सकते हैं। एक बात आप लोग याद रखना, जितना भी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का यूनिट है, सबसे प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा जाता है BARC में, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में, तो इसको अच्छे से पढ़ के जाना है। एडवांस एग्जाम पेपर काफी सिंपल होता है, हम लोग का टाइम भी हुआ था, लेकिन BARC का जो पहला स्टेज हम लोग का टाइम हुआ था, इसमें मैक्सिमम कैंडिडेट फेल हो गया था। सिर्फ इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस में हम अकेला अनडिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट था। आप अभी भी वेबसाइट में जाके चेक कर सकते हैं, मेरा नाम अभी भी अनडिजर्व का नंबर 1 में है। तो प्रिलिमिनरी एग्जाम के लिए आपको सबसे पहले मेहनत करना है, एडवांस एग्जाम पेपर आपका अच्छा आएगा। और इस बार जितना सीट है ना, मैं आप लोग गारंटी देकर बता रहा हूँ, अगर आप लोग एडवांस एग्जाम को थोड़ा सा भी पढ़ के जाएंगे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मेन आपको प्रिलिमिनरी को क्लियर करना है, क्योंकि इतना कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर पाता इसका एज क्राइटेरिया का कारण, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को शेयर का मतलब सब्सक्राइब करके रखना, और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके वायरल कर देना। तो आज के इतने, मिलते नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।